अभी के मारुति के शोरूम पे गए थे, हॉर्न जो गाड़ी का खराब हो रखा है उसे ठीक करवाने पर। यहाँ पे क्या चक्कर है कि सैनिटाइज करेंगे कार को, ऐसे बोल रहे हैं, उसके चार्ज लेंगे अलग से। तो वो भी हमारी सैनिटाइज पहले ही, तो अब जरूरत नहीं है इस चीज़ की, एक्स्ट्रा चार्ज देने की। और तो बाहर से मैं परचेज करूँगा हॉर्न, तो उसके हिसाब से 450 तक लग सकता है लास्ट। तो अब बाहर से ट्राई करेंगे। और एक इसके अंदर है ना, जो आपको टायर है जो इसके आगे वाले, जो उनमें प्रॉब्लम है, जो टायर आगे वाले और पीछे वाले, चारों टायरों के अंदर हवा निकलती है इसमें, मतलब गेप आ जाता है ना टायर के अंदर, वो प्रॉब्लम है। तो दो चीज़ें ठीक करवाएंगे आज। क्या चार्ज लगते हैं सब पूरी वीडियो में दिखाऊंगा तुमको, और हॉर्न वगैरह का जो चार्ज लगता है बाहर से वो। खोल ये 265 रुपये का ही है, ओरिजिनल है। इसमें भी कोई, इसमें कोई हाई क्वालिटी लो क्वालिटी कुछ आता है क्या? अलग सबसे हाई क्वालिटी का ये आवाज आती है, बस लो नहीं। स्विफ्ट का दे रहे हो सबसे बेस्ट का? स्विफ्ट का दे रहे हो अल्टो में? सबसे बेस्ट है ये ना, अल्टो का तो ऐसे ही आता है वो खराब, ये लग जाएगा इस अल्टो के अंदर। हाँ ये हो रहा है नहीं, बैटरी वगैरह में कुछ दबाव पड़े इसकी वजह से। चलो ठीक है ये दे दो। बिल बनाओगे इसका? ठीक है बनाओ, बिल बनाओ। ये मारुति सुजुकी का ओरिजिनल? हाँ ये वाला। गाइस देख लो यहाँ पे ये नंबर है, ये मारुति सुजुकी ओरिजिनल लो। तो गाइस ये मारुति सुजुकी जीनियस पार्ट की जो शॉप होती है, इससे आप खरीद लो और लोकल दुकान पे लगवा लो, तो पैसे बच जाएंगे काफ़ी। और शोरूम में जाओगे पता ही आपको क्या है, 900 रुपये शोरूम का हाल। उन्होंने 900 रुपये बता दिए थे हॉर्न के अलावा, और सैनिटाइजर मिला मिलो के, फिर भी काफ़ी सस्ता पड़ा है। अब 100 रुपये लेबर चार्ज मार लो, खींच के ज़्यादा नहीं लगेगा। नहीं और पार्ट सेम है? हाँ पार्ट तो सेम ही होंगे, क्योंकि मारुति का ये हो जो मारुति जी से, तो पार्ट तो सेम ही होंगे। हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ निहाल। तो इंट्रो नहीं दिया था, तो इंट्रो दे रहा हूँ मैं। तो वो मतलब सही इंस्टॉल सही से कर देंगे, बस ये है उम्मीद अब, क्योंकि लोकल मैकेनिक होते हैं ना, इंस्टॉल करने में भी दिक्कत कर देते हैं। ये रन देखो, एक बोल्ट दो बोल्ट तीन चार पांच बोल्ट खुलते हैं रन। तो भाई ये वाला जो पुराना हॉर्न है, इस वाले को इंस्टॉल कर दिया, और ये जो ये पुराना वाला है, तो इसमें 315 रुपये लगे हैं पूरे। 265 का हॉर्न था और 50 रुपये लेबर चार्ज आता है वो। तो अब टायर को देखते हैं, टायर जो प्रॉब्लम आ रही है टायर के अंदर, वो हवा निकलती है, मतलब पिंचर नहीं टायर के अंदर पर हवा निकलती है, तो गेप ऐसा टायर के अंदर, क्योंकि मैंने पहले एक बार ठीक करवाई थी चीज़ किसी और कार में, इसमें नहीं करवाई थी। जब से स्टार्टिंग से जो गाड़ी आई है ना, ये जब शोरूम से निकल, जब से ही प्रॉब्लम है इन टायरों के अंदर, मतलब पहले कम थी हल्की हल्की भी, पर बढ़ गई अब इसके अंदर। और मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में आई अब तक, कि अगर गाँव में है या ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत भी चल रही गाड़ी, तो मारुति की गाड़ी लेनी ही नहीं, बस हट जाओ उस गाड़ी से, तो बढ़िया बेटर रहेगा। मारुति की कार जो अल्टो अल्टो आती है, वो तो ऐसी जैसे कोई नाजुक सी हो, तो ऐसे तो सिटी में चलाओ केवल आप। हाँ सेंसिटिव बिल्कुल ऐसे लगती है, सिटी के अंदर चला लो और हल्की फुल्की चला लो उसको, और बस हो गया काम उसका। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है हल्की सी भी, तो अल्टो पर नहीं जाना। अभी वाली जो अल्टो आ रही है ना, उसके अंदर तो बिल्कुल ही बॉडी बिल्कुल बिल्कुल बेकार है बॉडी बिल्कुल। अब मेरे को लग रहा है अगली वाली जो अल्टो आएगी, उसके अंदर ऐसी बॉडी निकलती कि प्रेशर वाला पाइप मारे डेंट पड़ जाए। तो अगर भाई बता क्या है ये, कितने का क्या चीज मिलती है यहाँ पे, और कितने कम पैसों मिलती है बता।
यहाँ जो एक्सीडेंटल कार्स होती है वो जो मतलब बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाती है, और जो उनमें यूजेबल पार्ट्स बचते हैं उन पार्ट्स को यहाँ पे निकाल के उनको रीसेल किया जाता है, और वो शायद 20-30% वैल्यूएबल कीमत में उनको रीसेल किया जाता है। ये सामने दिखाई, सामने जो ये प्लांट है, ये सारे जो भी है ये सारे है यहाँ से। हाँ, कुल मिला के बात है, सेव बच रहा है उसको कंपेसो मिल जाएगा यहाँ पे आपको। हाँ, जयपुर में है ये, मोहाना मंडी गेट नंबर 1 के साइड में, मोहाना मंडी के पास में मिल जाएगा। ऐसा कुछ खरीद सकते हो आपको चाहिए तो कम पैसों में, किसी को नई चीज़ नहीं लेनी, पुराने कम पैसों में काम करवाना है कार का। तो भाई जी मेरे दोस्त हैं दीपक, इसको मैं क्यों पता है चीज़ें बताऊँ, कबाड़ी है थोड़ा हड़का लगा होते हैं ना, लोग ढूंढ लेते हैं कोई चीज़ें कहीं जाए कम पैसों में, तो वो टाइप का इंसान है इसलिए पता है इसको कहाँ पे क्या मिलता है। मैं इतना नहीं हूँ, मैं इतना नहीं घूमता, ये हमसे डबल कबाड़ी कुछ नहीं है डबल कबाड़ी। कैसे इसको कैसे पता है चीज़ें अगर मिलती है ऐसी टूटी हुई जगह में कार पड़ी है एक्सीडेंट हुई भी, इसको कैसे पता, मेरे को क्यों नहीं पता पता लगना चाहिए। देखो ये वाला ना इस बगा रहा है ऑटो को, जैसे स्लिपर आ रही है इसकी भाई, लग जल्दी में ही बहुत जल्दी में भाई, और तीन पहिए पलट जाए तो फिर चार पहिए पलट जाती है गाड़ी, तो तीन है वो तो केवल, तो उसमें पलट नहीं सकती गाड़ी। देखो कहाँ ले गया ऑटो वाला, हमारी गाड़ी है अल्टो, इसका हाथ नहीं आ रहा वो भाई, अभी ये हाथ आ जाएगा। नहीं नहीं अपन को नहीं पकड़ना उसको, अपन क्या करना है उसको पकड़ के इस पे करवाएंगे टायर की, मैं यहाँ पे आता हूँ टायर के लिए जब भी करना होता है। यहाँ पे ये टायर है ना, तीन टायर, एक तो वो वाला उधर वाला ये, ये तीनों इनके अंदर हवा निकलती है, पिंचर नहीं है पर इसके अंदर, पर हवा निकलती है इनके अंदर, ये सही करना है, गेप आ सकता है शायद। टायर थे चारों, चारों के अंदर पंचर निकले हैं, और चारों के अंदर दो दो निकले हैं लगभग, तो आठ पंचर थे उनके अंदर, माइनर पंचर थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे, नॉर्मल जो सोप होती है पकड़ में नहीं आ रहे थे पंचर, मुझे ऐसे लग रहा था गेप हो सकता है इसके अंदर, रिंग पे जंग आ सकता है, तो वो नहीं प्रॉब्लम थी, तो एक एक पंचर के उसने 100-100 रुपये लिए हैं। तो कभी कभी क्या माइनर पंचर होता है तो पता नहीं लगता अपन को, तो वो जो टायर वाली दुकान से चेक करवा रहे थे उसमें पता लग जाता है कि माइनर पंचर वहाँ पकड़ में नहीं आते। तो अभी गाड़ी ठीक हो चुकी है, चारों टायर ठीक करा चुका हूँ मैं, और हॉर्न लग चुका है, 2.5 घंटे बैठना पड़ा टायरों के लिए, 2.5-3 घंटे। तो मैं सोच रहा था कि इसको वॉशिंग भी करवा लेंगे आज, पर वो काम नहीं हो सका, कोई बात नहीं जो ठीक हुआ। मुझे ऐसे लग रहा है कि लॉकडाउन होने के चांसेस, तो मैं करवा लेते हैं, थोड़े दिन और बचे हैं 1 तारीख से, तो अभी हो जाए तो ठीक है ना। जब है ना बाल कटवाए मैंने, ओके बाल लग रहे हैं मेरे, ओके ठीक ठाक मतलब नॉर्मल, और जिस सैलून में जाता था ना वो बंद है अभी, तो साइड में से मतलब जो नॉर्मल अभी जो कटिंग चल रही है ट्रिम वाली वो नहीं करी, नॉर्मल करी है, ठीक ठाक बोल सकता है। तो भाई जी कॉफ़ी लिए, देखो तो ये इधर विजय पत्सो एरिया है, इस पर गपशप नाम का कॉफ़ी नहीं सब कॉफ़ी सब खुली है, तो उस पर मिलती है ये 25 रुपीज़ की है, 50 रुपीज़ दो देते हैं वो, दो ही देते हैं वो, 25 की एक नहीं देते, 50 रुपीज़ की दो, ठीक ठाक कॉफ़ी है। चॉकलेट शेक पी लेना वो अच्छा है यहाँ का, 25 में, अगर मूड ठीक करना मतलब अच्छे स्वाद चाहिए तो कॉफ़ी ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब कॉफ़ी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो गाइस अब घर की तरफ जा रहा हूँ, और कभी जो काम था कार वगैरह का टायर का जो, और क्या क्या था, हाँ जो हॉर्न वाला था, हॉर्न काफ़ी ओरिजिनल मिल गया मेरे को, और जो शोरूम है किसी भी शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, केवल एक
मारुति के शोरूम की बात नहीं कर रहा, अब किसी भी शोरूम के ऊपर जाओगे तो वो ज़्यादा एक चार्ज करने की कोशिश करेंगे आपको। तो मारुति की तो एक शॉप वगैरह होती है, मारुति सुजुकी ओरिजिनल शॉप होती है जो मैंने दिखाई है अपनी वीडियो के अंदर, तो वो होती है, तो उस पर जाके आप कर सकते हो, सामान ले सकते हो लोकल, आपको जहाँ लगे वहाँ लगवा सकते हो, तो कंपनीसम काम हो जाएगा उसमें। टायर में तो 8 पंचर निकले हैं उसके अंदर, काफ़ी दिनों से चल रही है गाड़ी, मतलब हवा भर के चला रहा हूँ, चला रहे हैं उसके अंदर, तो 8 पंचर थे उसके अंदर। तो अंदर की तरफ जो आती है जो आपको वीडियो में दिखी है वो, तो उसको वो अंदर की तरफ लगाई उसने, मतलब बाहर की तरफ से पंचर निकालूंगा ना मैं, अगर पंचर लगाऊंगा तो पंचर सक्सेस नहीं होता इतना, तो वो वापस होने के चांसेस होते हैं, फिर अंदर ही लगा देता हूँ। तो उसके अंदर जो पंचर हो गए, अब जी क्या काटो वगैरह में चलती है गाड़ी जी, जाती इसी जगह है तो होने वाले नॉर्मल, हल्के हल्के पिंचर तो पता भी नहीं लगता था कि प्रॉपर पिंचर है, उसमें से लगता था कि दो या एक या दो दिन के अंदर हवा निकलती थी उनके अंदर, इतना टाइम लग जाता था उनके अंदर हवा निकलने में, तो इतना टाइम लग जाता था उनके अंदर, तो ऐसे लगता था कि ये पिंचर नहीं है, मतलब इसमें टायर से कहीं हवा निकलती है। और बाहर जो चेक कराते थे ना तो वो उसको पकड़ में नहीं आती थी वो चीज़, हल्के पिंचर नहीं आते उनको पकड़ में, तो वो ठीक हो गया। मैंने बाल जो मैं कटवाने की सोची नहीं थी मैंने पहले, तो मैंने एकदम से सोचा कटवा लेते हैं, क्योंकि अब ये जो लॉकडाउन है ना इसका पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं लग जाए फिर बाद में, वही मेरे 6 महीने से नहीं कटवाए थे पहले बाल, पहले मैंने कटवाए थे फिर लॉकडाउन लग गया तो उस चक्कर में कटवाए नहीं थे बाल। देखते हैं जो पिंचर हैं इसके अंदर जो मैंने सही करवाया कितने सक्सेस है या नहीं, आगे चलती है वो नहीं चलते हैं सही से तो वो टाइम ही बताएगा। और गाइज अब क्या वीडियो करते हैं एंड, और गाइज अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और 4000 सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स। और अब मिलते हैं गाइज अब अगली वीडियो में, बाय गाइज़।